फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड पाठशाला पर। दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे और कोई ट्रैवलिंग का वीडियो वगैरह नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और सॉरी। और आपको भी पता है कि क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है और कहीं आना जाना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, कहीं आने जाने का सिचुएशन बन नहीं रहा है वैसा। तो इसीलिए आप लोग को भी पता है कि आप सब लोग भी घर पर ही होंगे और मैं भी घर पर ही हूँ, और उम्मीद है कि आप सब लोग सेफ़ होंगे और अच्छे से होंगे और जो भी कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसको फेस कर ही रहे होंगे। तो इसीलिए आज सोचा कि आज मैं थोड़ा सा निकलूं बाहर और अपना शहर ही घुमा दूं। मोहनिया, आपको पता ही है कि मैं मोहनिया से हूं, तो सोचा कि अपना शहर ही घुमा दूं। तो चलिए इंजॉय करिए इस वीडियो को और मैं आपको पूरा शहर घुमाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोर से शुरू करके सबसे पहले लास्ट में मैं लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद फिर मैं वापस रिटर्न होके आऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कैसे है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ का जो डिग्री कॉलेज है वो दिखा देता हूँ। और ये सामने देख रहे हैं गेट है, महाराणा प्रताप कॉलेज जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो चलिए थोड़ा मैं आपको घुमा देता हूँ और फिर खाता हूँ। तो चलिए एंजॉय करते रहिए, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का। और ये मेरे शहर का इकलौता डिग्री कॉलेज है, ये इसके सब बिल्डिंग बने हुए हैं और ये सामने महाराणा प्रताप के स्टैचू है। चलिए वापस फिर और इसकी बिल्डिंग इधर भी है, आपको मैं इधर भी ले चल के दिखा देता हूँ। और ये बफेलो, फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और ये सब कॉलेज का ही कैंपस है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। और ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, तो इधर तक है और ये जो है इसका मेन बिल्डिंग। तो चलिए अब, और ये इस कॉलेज का जो है वो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, महाराणा प्रताप महाविद्यालय क्रीड़ा स्थल श्याम सुंदर सिंह पवेलियन, तो कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि जो मेरा शहर मोहनिया है वो बेसिकली दो पार्ट में अब डिवाइड हो गया है, क्योंकि ये बीच से जो है 4 लेन हाईवे जो है वो पास हो गया और इसके वजह से जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और बीच से जो है वो शहर के ऊपर से ब्रिज होते हुए पार कर जाता है। तो मैं आपको दोनों पार्ट दिखाऊंगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अगर आप इस रोड को पकड़ के सीधा चले जाते हैं तो आगे ब्रिज आएगा और इसको आप पार करके आप शहर से बाहर निकल जाएंगे, आपको कहीं भी कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर बेसिकली आपको मार्केट वगैरह जाना है और अगर मोहनिया में कुछ काम है तो आप इसके लेफ्ट या राइट साइड से जा सकते हैं, जो लिंक रोड बना हुआ है। तो मैं अभी जो है ये जो मेन GT रोड है, NH2, जो हावड़ा से लेके दिल्ली तक कनेक्ट करता है, और मैं अभी बेसिकली मेरे पीछे जो है वो बनारस है और मेरे आगे जो है वो कोलकाता है। तो ये रोड सीधा कोलकाता चला जाएगा और मान के चलिए कि मैं बनारस से आ रहा हूँ। तो अगर आप बनारस से होते हुए आते हैं, यानी यूपी से होते हुए आते हैं और बिहार में एंटर करते हैं, तो सबसे पहला आपको अच्छा खासा मार्केट मोहनिया ही मिलेगा।
तो चलिए अब मैं आपको सामने एक लिंक रोड दिखाई दे रहा होगा, इसी लिंक रोड से होते हुए मैं आपको इंटर करूंगा और फिर उस रोड से मैं पूरा कवर करके आपको फिर वापस इस यहाँ तक आऊँगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले लिंक रोड से आप जब चलिएगा तो जैसे ही आप लिंक रोड से उतरते हैं तो सबसे पहले आपको रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिल जाता है, आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। और फिर इसके आगे चलते हैं तो एंजॉय करते रहिए, अगर कुछ ऐसा अगर शॉप वगैरह आएगा, अगर कोई वैसा ऑफिस वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये देख रहे हैं कि ब्रिज स्टार्ट हो गया है और मैं ब्रिज के नीचे नीचे से जा रहा हूँ। अगर आप ब्रिज के ऊपर एक बार चले गए तो फिर आप नीचे नहीं उतर पाइएगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको इंटर करना हो, मार्केट में जाना हो, तो आप हमेशा ब्रिज के नीचे से ही आए। और ये इतने सारे कबाड़ आपको दिख रहे होंगे तो अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये मोहनिया थाना है। ये जो मोहनिया थाना आप देख पा रहे होंगे, मोहनिया थाना जिला कैमूर, और उसी का ये सब कबाड़ा है, रोड पे ही है। और ये आगे आगे वो फैलो जो हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, कौन इनको समझाए कि रोड पे नहीं चलना है, साइड से चलना है, काफी ट्रैफिक लगा दिए हैं। ओह, तो किसी तरह से निकला मैं, तो चलिए चलते हैं आगे मोहनिया थाना क्रॉस करने के बाद। और फ्रेंड्स, ये यहाँ का शारदा ब्रजराज उच्च विद्यालय यानी कि 10+2 हाई स्कूल है। और अब हम लोग स्टेशन मोड़ के पास में है, स्टेशन मोड़ यानी कि एक रोड जो यहाँ से कट के जाता है वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है भभुआ रोड। तो चलिए मैं आपको थोड़ा वहाँ तक घुमा दूँ और फिर वापस सामने मैं आके जाऊँगा। तो बेसिकली ये स्टेशन रोड है, ये रोड कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ स्टेशन तक आपको छोड़ देगा और वहाँ क्लोज हो जाता है। तो मैं वापस स्टेशन से आपको आऊँगा। ये स्टेशन का रोड है जो अभी तो आपको कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए तो इस रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। और इसी स्टेशन रोड पे मेरे राइट साइड में नगर पंचायत का कार्यालय है, क्योंकि मोहनिया जो है वो नगर पंचायत है और यहाँ पे इसका कार्यालय है राइट साइड में। और इसके आगे मैं चलता हूँ। और ये मार्केट स्टेशन रोड का है और स्टेशन रोड में ही आपको मेरे लेफ्ट साइड में बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा। तो जो जीटी रोड से आप पढ़ते हैं और स्टेशन के लिए आते हैं तो मान के चलिए 500 या 600 मीटर हो गए स्टेशन, एग्जैक्ट तो काउंट नहीं किया हूँ। और थोड़ा सा आगे आने पे मेरे लेफ्ट साइड में आपको स्टेट बैंक मिल जाएगा स्टेशन रोड में ही, और स्टेट बैंक के बाद थोड़ा सा ही आगे स्टेशन है और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका स्टेशन है भभुआ रोड, दिखाई दे रहा होगा। अभी ट्रेन वगैरह सब बंद है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ कम आवाजाही दिखाई देगा, आदमी लोग कम दिखाई देंगे। और ये है भभुआ रोड स्टेशन। तो चलिए हम
इसके अंदर का मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बनाकर कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पे आती हैं जाती हैं। और यहाँ का एक फेमस मंदिर भी है जिसका नाम है माँ सती मंदिर, और ये ठीक स्टेशन के बगल में ही ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सती मंदिर है। क्योंकि कोविड का सिचुएशन है इसलिए आदमी लोग कम हैं, तो चलिए मैं वापस घूम के जाता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है वो रेलवे कॉलोनी है, जो रेलवे में काम लोग करते हैं वहाँ उनका रूम वगैरह है। तो फिर से मैं वापस आपको ये मंदिर दिखाने के लिए आया था कि फेमस मंदिर है माँ सती मंदिर, यहाँ है तो यहाँ भी आ सकते हैं। और ये भगवा रोड स्टेशन, तो फ्रेंड्स मैं वापस जा रहा हूँ, आपको ये स्टेशन रोड घुमा दिया और ये सारे शॉप वगैरह हैं। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ जीटी रोड पे, जहाँ से रोड कटा हुआ था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स एक रोड और स्टेशन रोड से कट के जाता है, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रोड है ये भी एक रोड है और ये मार्केट में चला जाता है, और मार्केट से होते हुए फिर आपको वापस जीटी रोड पे मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी रस रहता है, छोटे से रास्ता छोटे हैं थोड़े, तो मैं आपको सीधा जीटी रोड पे ही लेके चलता हूँ और फिर वहाँ से मैं आगे चलूँगा। फ्रेंड्स मैं वापस जीटी रोड पे आ गया, सामने आप देख रहे हैं कि जीटी रोड है, और मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा क्योंकि राइट से तो होकर मैं आ ही रहा हूँ। मैं आपको उधर दिखाई दिया था कि पुलिस स्टेशन वगैरह मोनिया थाना सब उधर ही है, और फिर ये स्टेशन रोड है और ये जीटी रोड है। तो स्टेशन रोड से मैं वापस घूम के फिर से आपको ले कर चलता हूँ मेन मार्केट की तरफ, जो यहाँ का सबसे फेमस चौक है जिसका नाम है चांदनी चौक। कन्फ्यूज मत होइएगा, दिल्ली का चांदनी चौक अलग है, और थोड़ा सा स्टेशन रोड के आगे बढ़िएगा तो ये यहाँ पे है होटल कैमूर है, होटल कैमूर बिहार मोहनिया, और इसी के बगल से रास्ता जाता है प्रखंड कार्यालय का, यानी कि जो मोहनिया ब्लॉक है उसका ऑफिस, और फिर इसके बाद आपको कैमूर डेयरी दुग्ध उत्पादन केंद्र, और फिर ठीक इसके आगे मोहनिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अनुमंडल अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। और इसके आगे चांदनी चौक, काफी फेमस चौक है, या फिर काफी मतलब यहाँ से जो है वो चौक टाइप का है और रास्ते जो है वहां से निकलते हैं दोनों चारों तरफ से, तो आप देख रहे होंगे अभी भी भीड़ भाड़ है, जबकि और ये मेन चौराहे पे एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, श्वेत हनुमान मंदिर, और ये मेन चौराहा है और ये मेन मार्केट है जिसका नाम है स्टुअरगंज। काफी रस है इसमें, और ये हम लोग आएंगे चांदनी चौक पे, और मैं सीधा जाऊंगा और फिर जो साइड से है ये देखिए जो ब्रिज है ये यहाँ का ब्रिज है, और ये सीधा आपको जीटी रोड है जो आपको ऊपर ऊपर लेके चला जाएगा बाहर, और मैं रोड को क्रॉस कर लेता हूँ। और ये जो रोड है एक रोड चला जाएगा मेरे राइट साइड से, इधर से आप देख रहे होंगे गेट बना हुआ है, और ये चला जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि भभुआ जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, और इस साइड मेरे लेफ्ट साइड से जो रोड गया हुआ वो सीधा रामगढ़ बक्सर निकल जाएगा। तो मैं सीधा चलूँगा
और फिर इस रोड से घूमते हुए फिर आगे से यू टर्न मार के उस रोड पे आऊँगा। चलिए चलते हैं, एंजॉय करते रहिए। और ये यहाँ का है चांदनी चौक, आमतौर पर यहाँ रश होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। तो ये चांदनी चौक से अब मैं आगे निकल गया हूँ, क्योंकि ये सीधा जो आप चला जाएगा हावड़ा कोलकाता ये रूट, और इसी में जाके ये जो लिंक रोड है मिल जाएगा वापस। मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर एक बार आप इस ब्रिज पे चढ़ जाएंगे तो फिर आपको मार्केट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मार्केट में काम हो और या कुछ लेना हो तो आप लिंक रोड से ही आए, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई बीच से कट वगैरह नहीं बना हुआ है, ये सीधा आपको बाहर ही निकालेगा। तो यहाँ देखिए ब्रिज अब लगभग समाप्त हो गया और हम लोग और आगे चलेंगे। तो उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे इस ब्लॉग को, जिसमें मैं आपको मोनिया का पूरा टूर कराऊंगा, रोड के लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक। ये 4 लाइन है, NH2 GT रोड कुछ भी कर लीजिए। और आगे आइएगा तो यहाँ पे आपको होंडा का शोरूम मिल जाएगा, स्वराज, पावर ट्रैक। अब इधर आइएगा तो आपको मैकेनिक वगैरह शॉप वगैरह इधर गाड़ियों के ज़्यादा मिलेंगे, ट्रक्स वगैरह बनेंगे। अगर आपका 4-व्हीलर है, अगर आप बिगड़ गया है तो अगर मैकेनिक आप खोज रहे हैं तो आपको वो इधर ही मिलेंगे, इधर ही शॉप वगैरह होगा जो आप अपनी गाड़ी रिपेयर करा लेंगे। तो देखिए अब लिंक रोड है जो अब ख़त्म हो गया है और ये जो है 4 लाइन में मिल गया। और यहाँ से मैं यू टर्न मारूंगा, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि मोहनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इधर से एक रोड है, आप देख रहे होंगे ये जो रोड है ये आपको सीधा NH30 है, यानी नेशनल हाईवे 30, जो मोहनिया से सीधा पटना को, यानी मेरे जो बिहार का कैपिटल है पटना, उसको कनेक्ट करता है। NH30 सीधा आपको ये रोड आरा होते हुए पटना चला जाएगा, और सामने आप सासाराम, डेयरी, औरंगाबाद होते हुए झारखंड निकल जाइएगा, और उधर से होते हुए सीधा हावड़ा, और मेरे पीछे आपको पता ही है कि दिल्ली से होते हुए आप जब आइएगा तो बनारस होते हुए आइएगा। तो अब यहाँ से मैं यू टर्न मारूंगा और अब मैं चलूँगा अपने राइट साइड में, और फिर उस साइड से मैं आपको दिखाऊँगा कि उस साइड क्या है। तो चलिए यू टर्न मारते हैं। अब मैं रोड के इस साइड आ गया हूँ, और इधर से भी आप लिंक रोड है। जब आप हावड़ा यानी सासाराम से आते हैं तो आपको लिंक रोड मिलता है, उस साइड भी, इस साइड भी। अगर आपको जिस साइड जाना है तो उस साइड जा सकते हैं। तो आपको उस साइड से तो मैं घुमा ही दिया, अब इस साइड जाना है तो ये लिंक रोड मैंने पकड़ लिया। और चलिए अब इंजॉय करते रहिए। देख रहे हैं जितने भी है सब अधिकतर गैराज हैं इस साइड। तो फ्रेंड्स, यू टर्न मारकर मैं वापस फिर चांदनी चौक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जो मोहनिया कह सकते हैं कि NH30 के पास ख़त्म हो जाता है, वहाँ से जो रोड है वो सीधा पटना चला जाता है, और वहाँ से यू टर्न मारकर मैं फिर से चांदनी चौक पे जा रहा हूँ रोड के इस साइड से होकर। देख रहे हैं ये ब्रिज, अभी मैं ब्रिज के उस साइड से जा रहा था, ब्रिज के इस साइड आ गया हूँ।
तो फ्रेंड्स आ गया है चांदनी चौक वापस। आप देख रहे हैं ब्रिज के नीचे से रास्ता है। मैं आपको बताया था कि एक रास्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी भभुआ चला जाता है और एक रास्ता रामगढ़ होते, और यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। और ये यहाँ का मुंडेश्वरी गेट, और इसी रास्ते में आप घुसकर भभुआ चले जाइएगा और इस साइड रामगढ़। तो मैं सामने चल रहा हूँ, और ये यहाँ का बस स्टैंड है। एक बार आपको बस स्टैंड का भी टूर करा देता हूँ। बस वगैरह मिल रही है, हाँ बस वगैरह तो लगी हुई है सासाराम वगैरह जाने के लिए, या फिर क्योंकि इससे पहले तो बस वगैरह पे सब बैन था, तो बस वगैरह लगी हुई है। और ऑटो वगैरह भी है, टेम्पो वगैरह भी है। तो ये मोहनिया का बस स्टैंड है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और ये फिर वापस इस रोड पे आके निकल जाता है, यानी जो मैं बताया था कि जो भभुआ जाता है रोड, उस रोड पे ये भभुआ रोड है। और ये इधर आप भभुआ चले जाइएगा, होटल मोहनिया बिहार यहाँ पे है। तो मुझे भभुआ तो जाना नहीं है, मैं आपको मोहनिया ही घुमाऊंगा। और सामने माँ मुंडेश्वरी द्वार देख रहे होंगे, इसमें भी आप इंटर कर गए। एक्चुअली मैं सामने से इधर से गया था और बस स्टैंड से घूम के फिर वापस यहीं आ गया। तो ये यहाँ का बस स्टैंड था। इस बस स्टैंड से आपको लगभग हर जगह के बस वगैरह मिल जाएंगे, बनारस जाना हो, यहाँ से हावड़ा कलकत्ता वगैरह तक की बस मिल जाती हैं, रांची वगैरह झारखंड वगैरह जाने के लिए भी बस मिल जाती हैं। तो बेसिकली सभी जगह से बस मिल जाती हैं। और चलिए चलते हैं आगे, इंजॉय करिए। और फ्रेंड्स फिर से मैं आ गया स्टेशन मोड़ पे, जो रोड के उस साइड में है, और बाइक लेके आप जा नहीं सकते हैं उस पार। देख रहे हैं कि ये सब कुछ बैरियर है, तो अगर आपको स्टेशन रोड जाना है तो रोड के उस पार ही जाना होगा, या तो पीछे से यू टर्न मार के जाइए, या फिर आगे से यू टर्न मार के लिंक रोड धर के आइए। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये रोड रोड है फ्रेंड्स। अगर मोहनिया की बात की जाए तो अंदर पूरा गाँव है, जहाँ मैं कभी आपको दूसरे ब्लॉग में ले चलूँगा। और ये बेसिकली मार्केट है, रोड है, कहाँ क्या है रोड पे। तो अब मैं फिर बनारस की तरफ जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि ये जो है वो NH2। जहाँ से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुँच जाऊँगा, और फिर वहाँ से यू टर्न मारकर आप उस साइड हो जाइएगा। तो बेसिकली आपको यू टर्न मारने के लिए यहाँ पे दो ही मिलेंगे, या तो एकदम शुरू में, या फिर चांदनी चौक पे, या फिर सबसे लास्ट में। बीच में आपको कहीं भी उस पार से इस पार आने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये लिंक रोड वापस आकर इस हाईवे पे मिल जाता है, और रोड के इस साइड में ही लास्ट में आपको मिलेगा हीरो का शोरूम, हीरो मोटर बाइक। तो मुझे घर जाना है, तो मुझे यू टर्न मार के उस पार जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक बार पूरा ये हाईवे का सीन दिखा देता हूँ, कि अगर आप हाईवे पे आते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा,
और नहीं आप अपनी गाड़ी को नीचे उतार सकते हैं। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty fake. और ये पूरा 4 लेन है और ये फिर टूटे फूटे, यानी कि आपको मालूम चल गया होगा कि ये नीचे थाना है, यहाँ पे एक कटा हुआ है, लेकिन आप गाड़ी वगैरह नीचे नहीं ले जा सकते। All the time. Pictures so per- हाँ, अगर आप बनारस से आते हैं, अगर आपको स्टेशन साइड में जाना है, स्टेशन जाना है, तो आप सीधा स्टेशन मोड़ पे आप यहाँ पे कटिंग है जहाँ से आप बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह उतार सकते हैं। देख रहे हैं ये स्टेशन रोड जो मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ। चलिए आगे, ब्रिज, यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो जाता है। Perfect, we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy. और ये चांदनी चौक ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और उस साइड माँ मुंडेश्वरी द्वार। तो बेसिकली ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से आपको उम्मीद है कि कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए वापस मैं चलता हूँ। और ये ब्रिज के इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है माँ मुंडेश्वरी द्वार। तो फ्रेंड्स, ये था मोहनिया का आपका टूर। उम्मीद है कि आपको तो एंजॉय आया होगा। कोविड में अभी तो कहीं जाने का प्लान तो बना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन कुछ ठीक ठाक होता है तो कहीं का प्लान बनाते हैं और फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए एंजॉय करते रहिए और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटर ब्लॉग और मिलते रहें।